पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। पीएम मोदी ने अरुण जेटली की पत्नी और बेटे से बात करके संवेदनाएं प्रकट की। दोनों ने ही पीएम मोदी से अपना विदेशी दौरा रद्द न करने को कहा। पीएम ने ट्वीट करके कहा, अरुण जेटली जी एक राजनीतिक दिग्गज थे जो बौद्धिक और कानूनी रूप से जीवंत थे। गृहमंत्री अमित शाह ने दुख जताते हुए कहा कि अरुण जेटली के निधन से अत्यंत दुखी हूं। जेटली का जाना मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। वहीं कांग्रेस ने भी दुख जताया, उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा, हमें अरुण जेटली जी के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थना उनके परिवार के साथ। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अरुण जेटली के असामयिक निधन पर गहरा दुख और पीड़ा व्यक्त की। उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जेटली जी एक सार्वजनिक व्यक्ति, सांसद और मंत्री के रूप में उन्होंने लंबी पारी खेली। सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। शिवपाल यादव ने ट्वीट करके लिखा, उनका निधन राष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। पीयूष गोयल ने लिखा, अरुण जेटली जी मेरे लिए एक पथ प्रदर्शक और बड़े भाई के जैसे। उनसे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला। उनका समय चले जाना मुझमें एक ऐसा शून्य छोड़ गया जिसे कोई भर नहीं सकता। ईश्वर उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करे। राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके लिखा, अरुण जेटली जी के निधन से दुखी हूं। आज बीजेपी ने परिवार के एक अभिन्न सदस्य को खो दिया। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके लिखा, हम में से कई लोगों के लिए एक मार्गदर्शक, नैतिक समर्थन और हिम्मत। उससे बहुत कुछ सीखा है। वो एक उम्दा और बड़े दिल वाले इंसान थे। जेटली के निधन पर रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके लिखा, हमारे वरिष्ठ नेता अरुण जेटली जी के निधन से गहरा शोक पहुंचा है। वो मेरे बड़े भाई की तरह थे और हम दोनों ने विद्यार्थी जीवन से 45 वर्षों तक साथ काम किया। शशि थरूर ने ट्वीट करके जेटली के निधन पर शोक जताया। उन्होंने लिखा, अपने दोस्त और दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीनियर के निधन पर मैं बेहद दुखी हूं। हम सबसे पहले तब मिले जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ में थे और मैं सेंट स्टीफन्स कॉलेज यूनियन का अध्यक्ष था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जेटली के निधन पर गहरा दुख जताया। उन्होंने लिखा, देश के प्रख्यात विधिवेत्ता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन की खबर से स्तब्ध हूं। जेटली के निधन पर सीएम योगी ने दुख जताया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा, अरुण जेटली जी एक कुशल वक्ता, सफल अधिवक्ता और सौम्य राजनीतिक के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगे। विनम्र श्रद्धांजलि, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा, पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ नेता अरुण जेटली जी के असामयिक निधन राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अरुण जेटली के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली जी के निधन से मैं बेहद दुखी हूं। एक बेहतरीन सांसद और बेमिसाल वकील, सभी दल उनका सम्मान करते थे। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने ट्वीट करके कहा, उनका योगदान को देश हमेशा याद करेगा। उनके योगदान को देश हमेशा याद करेगा। बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज ने भी सोशल मीडिया के जरिए अरुण जेटली के निधन पर शोक व्यक्त किया। एक्टर रितेश देशमुख ने जेटली की एक तस्वीर शेयर करके लिखा, अरुण जेटली जी के निधन की खबर सुनकर मन बहुत ज्यादा दुखी। संजय दत्त ने भी ट्वीट करके पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को श्रद्धांजलि।
महान गायिका लता मंगेशकर ने भी अरुण जेटली के निधन पर गहरा दुख जताया। उन्होंने लिखा, अरुण जेटली जी के निधन से गहरा दुख हुआ। एक गतिशील नेता, सज्जन व्यक्ति और हमारे पूर्व वित्त मंत्री, बहुत विनम्रता से वो मुझसे मिलने आए थे और हमने बहुत देर तक बात की। एक्ट्रेस कोयना मित्रा ने लिखा, हमारे देश ने एक महान नेता खो दिया है। रेस्ट इन पावर मास्टर ओम शांति। एक्टर सनी देओल ने लिखा, देश ने एक और महान नेता खो दिया। हमारे विचार और प्रार्थनाएं उनके परिवार के साथ। जेटली के निधन पर गुलपनाग ने लिखा, जेटली के बारे में सुनकर दुख हुआ। उनकी बातें रखने की कला की मैं मुरीद हूं। वो तरीका जैसे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा करते थे, कानूनी मामलों में उनकी मास्टरी। संगीतकार अदनान सामी ने ट्वीट करके लिखा, अरुण जेटली जी के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। वो बहुत दयालु व्यक्ति थे। रेस्ट इन पीस। दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर ने ट्वीट करके पुराना वक्त याद किया। उन्होंने लिखा, श्री अरुण जेटली जिससे पहली दफा करीब 20 साल पहले मिला था, तभी से उनकी तारीफें सुनता रहा हूं। आज उनका जाना देश के लिए एक बड़ा नुकसान। फिल्म मेकर करण जौहर ने ट्वीट किया, आज देश ने एक मजबूत और सशक्त नेता माने जाने नेता के जाने पर दुखी है। मेरी भावनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार और प्रियजनों के साथ हैं।